हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ट्रैवल व्लॉग्स चल रहे थे, फिर एक और व्लॉग आ गया और अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो यहाँ पे जो पॉपुलर स्कैम्स हैं कैनेडा में उसके बारे में है। तो काफ़ी सारे स्कैम्स हैं जो यहाँ पे होते रहते हैं। कैनेडा कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल स्कैम्स नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री से जो नए नए इमिग्रेंट्स आते हैं उन्हें यहाँ का सिस्टम पता नहीं होता और उनके साथ ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं। और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और जो हम लोग साथ में नज़दीक में रहते हैं वो सब लोग हैं, तो उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं, तो हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने बारे में शेयर करेंगे। तो स्कैम्स की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन स्कैम होता है वो, अगर आप कहीं घर ढूंढ रहे हैं इंडिया से या यहाँ आने के बाद, तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कैनेडा में आने के बाद वो होती है घर। तो घर के रिलेटेड स्कैम्स होते रहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगी। मेरे साथ एक और कोमल है, वो उनके साथ ये हो रखा है इसलिए शी कैन एक्सप्लेन यू बेटर। सो लेट्स टॉक टू हर नाउ। हाय कोमल। हाय। तो कैसा लग रहा है आपको कैनेडा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कनाडा आके इनको काफ़ी लंबा टाइम नहीं हुआ है, ये थोड़े टाइम पहले ही कनाडा आई है, लाइक 6-7 मंथ्स। और या मैं जनवरी। ओके, तो ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स, राइट? तो उतना टाइम हुआ है और इन्हें एक्सपीरियंस ये हुआ है कि ये इंडिया से घर ढूंढ रही थी ना आप? नहीं, एक्चुअली मैं लैंड ब्रैम्पटन में हुई थी, एक फैमिली के साथ मैं रह रही थी। मैं इंडिया से ढूंढ रही थी पर मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैं ब्रैम्पटन में जिस फैमिली के साथ स्टे कर रही थी उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप फेसबुक पे ढूंढो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ढूंढो, तो मैं वहाँ से ही ढूंढ रही थी। फिर मेरे को एक कॉन्टैक्ट मिला था, तो उन्होंने, वो एक स्टूडेंट ही थी ट्रेंट यूनिवर्सिटी की, मैं पहले स्टूडेंट थी ट्रेंट यूनिवर्सिटी पीटरबोरो में, तो वो डाउनटाउन में ही था और मेरी कॉलेज भी बहुत नज़दीक थी। तो फिर मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आपको 2 महीने का डिपॉजिट देना होगा। तो फिर मैंने डिपॉजिट किया $1200। तो $1200 मैंने डिपॉजिट किया और उसके नेक्स्ट डे मैं चली गई थी एक मेरे को वहाँ से ब्रैम्पटन से पीटरबोरो। तो फिर वहाँ पे वो लोकेशन अच्छी नहीं थी और वो लड़की भी अच्छी नहीं थी, तो फिर मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा नेक्स्ट डे। और फिर मैंने उनसे मांगा कि मेरे जो $1200 है वो मुझे वापस दे, पर उन्होंने मुझे नहीं दिए। अच्छा, वो छोड़ना पड़ा फिर $1200। और $1200 इंडियन करेंसी में होते हैं ऑलमोस्ट 70,000, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है जब इंडिया से कोई नया आता है, इट्स अ बिग अमाउंट। लेकिन आपके केस में फिर भी कोमल वो जगह एग्जिस्ट करती थी। मैंने ऐसा सुना है कि कभी कभी फेसबुक और KGG पे जब इंडिया से लोग ढूंढते हैं तो कुछ स्कैम्स ऐसे भी हो रहे हैं कि वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और उनसे जगह के पैसे ले लिए जाते हैं, और जब आप व्यूइंग के लिए या ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो मना कर देते हैं और फिर वो जगह भी गायब हो जाती है, आपको ब्लॉक कर देंगे और वो सब। तो आप मेक श्योर करें, आप जब भी पहली बार कैनेडा लैंड होते हैं आप किसी रिलेटिव्स की यहाँ कुछ टाइम रह लीजिए अगर आपको कोई सपोर्ट है, और अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप BNB या कोई चीपेस्ट होटल या ऐसा किसी में रह के आप खुद पर्सनली जाके वो जगह देखें और फिर ही अपने पैसे दें। और यहाँ पे कुछ एडवांस 2 डिपॉजिट या ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे बस 1 रेंट ही एडवांस होता है। यहाँ इंडिया में जैसे डिपॉजिट का सिस्टम है कि 2 महीने 3 महीने, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का रेंट ही एडवांस देना होता है। तो अगर आपने वो दे दिया तो यू आर गुड, तो आपको उस तरीके से होता है। और आप मेक श्योर करना जब भी, जो मैं अपने पहले हाउ टू सर्च अपार्टमेंट वाले वीडियो उसकी लिंक उसका मैं यहाँ पे दे दूंगी, उसमें भी आप चेक करना कि जब आप घर ढूंढते हैं तो आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि नज़दीक में बस स्टॉप कितनी दूर पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे विंटर्स अभी शुरू हो गए, स्नो दिख रही है, तो ऐसे में जो चलना होता है बस स्टॉप जाना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो आप वो सब चीज़ों का ख्याल रखें फिर अपना अपार्टमेंट ढूंढिएगा। तो ये वाला एक पहले स्कैम था। अभी दूसरा जो वेरी पॉपुलर स्कैम है वो ये होता है कि जब भी आप कनाडा आते हैं आप काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी कंसर्न होते हैं, उसी में अगर आप उस किसी आपको CRA या IRCC या वैसे किसी भी रैंडम लोगों से मैसेजेस आने लग जाएंगे या कॉल्स आने लगेंगे, तो वैसा भी एक्सपीरियंस हमारे एक जो ब्रदर हैं ब्रिज उनके साथ हो रखा है, तो मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ और वो आपको बताएंगे उनका एक्सपीरियंस। तो उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। सो हाय ब्रिज। हाय।
ये हैं ब्रिज पटेल फ्रॉम अहमदाबाद और इनके साथ भी कुछ ऐसे स्कैम्स हो रखे हैं, इन्हें भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इस स्कैम। ये स्कैम जो मैं बता रही हूँ, IRCC से कॉल आना या CRS से मैसेज आना या किसी भी अननोन नंबर से मैसेज आना, दैट इज वेरी कॉमन इन कैनेडा और सब लोग डर ही जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा ये ब्रिज जी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि कोमल जी ने बताया कि ऐसे मेल्स आते हैं, तो वैसे भी मेरे को एक CRA से मेल आया हुआ था तो, और वो कह रहे थे कि आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं तो आप ये लिंक पे जाके आप बैंक में अपनी बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए। तो फिर मैं उस लिंक पे गया, फिर मैंने सोचा कि ये फ्रॉड भी हो सके क्योंकि उसमें ना कोई कंपनी का नाम ना कुछ भी था, तो मेरे को लगा ये शायद से फ्रॉड हो सकता है। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये हम मैं डिपॉजिट करूँ या ना करूँ, तो मेरे अंकल जी थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड मैसेज है तो ऐसा मत करो, कभी भी मत करो। और अगर IRCC वाले आपको कभी भी सामने से मैसेज नहीं करेंगे या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ ईमेल ही भेजेंगे, कभी भी वो आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे, नहीं कॉल करेंगे, ईमेल या तो वो फिजिकल लेटर भेजेंगे। फिजिकल लेटर, उसको भी यहाँ पे मेल कहते हैं, वो फिजिकल लेटर भेजते हैं, वो आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा या फिर ईमेल में आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी होगा वो फ्रॉड ही है। और एक वो भी बड़ा पॉपुलर है ना कि आपको फोन आते हैं, आपको ऐसा कोई फोन आया कि मैं CRS मतलब मैं IRCC से बात कर रहा हूँ आपके बिहाफ में, आपके सोशल इंश्योरेंस नंबर पे कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। हाँ, वैसे भी आता है कि वो कहता है कि आपने इनलीगली काम किया हुआ है इतने घंटे, तो आपको कनाडा से निकाला जा सकता है इस काम की वजह से। यस यस, तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप हमें या फिर पैसे दे दो या फिर आप कनाडा से वापस आपको भेज दिया जाएगा। और ऐसे वाले कॉल्स में वो बड़े सीरियसली आपको बताएंगे कि आपको आपके आपके सिन नंबर पे ये एक्टिविटी हो रही है, और उनके पास इतनी डिटेल्स होती हैं कि आपका वो लास्ट नेम तक भी सही बताते हैं। वो उन्हें पता नहीं है इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बट वो कलेक्ट करके आपका नाम वाम सब करेक्ट बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कहीं से पता लगा के करेक्ट बता देंगे। फिर आपको ये कहेंगे कि अगर आपको ये शॉर्ट आउट करना है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ। यस, आपको इतना सीरियसली बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन में जाओ। और जो भी नहीं होते हैं बेचारे, वो डर ही जाते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, कभी एक आध घंटा दो घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो वो डर जाते हैं। तो उस केस में मैंने ऐसे ही रैंडमली एक सेंस से सुना था कि उन्होंने फिर इस कॉल को एस्केलेट करते गए कि आगे क्या होता है। वो तो जानकार थे, लेकिन जानकारी के लिए वो आगे चलाते गए, तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि चलो एक काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन पे आ जाता हूँ। तो पुलिस स्टेशन पे जाने तक की बात सुन के फिर वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं जाना है तो हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके ये चार्जेस हैं। तो वो आपको रैंडमली कोई चार्जेस बताएंगे जो कि ज़्यादा ही होते हैं, लाइक 1,000, 1,200, 2,000, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। वो चार्जेस आपको बोलेंगे आप पे कर दो, और जैसे ही आपने पे कर दिया यू आर ट्रैप, आप उस स्कैम में फंस जाते हो। तो इस तरीके के स्कैम्स काफी पॉपुलर होते हैं यहाँ पे, तो वो भी एक है। और ब्रिज है कैंप बेल यूनिवर्सिटी में, मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कैंप बेल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं ब्रिज का जो इंस्टा आईडी है वो यहाँ पे डाल दूंगी। तो इन दैट केस अगर आपको कोई सवाल है तो आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। और स्टूडेंट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं इनका और वो जो कोमल है जिन्होंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी, दोनों के इंस्टा आईडीज डाल दूंगी, तो आप लोग उन दोनों से सवाल पूछ सकते हैं। मुझे स्टूडेंट लाइफ का कोई आइडिया नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन द स्टूडेंट लाइफ, बट फिलहाल के लिए मैं इन दोनों की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, तो आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। अब आप कैनेडा में आ गए, आपने घर ढूंढ लिया, ये सब कुछ हो गया। अब जो तीसरी बारी आती है वो बड़ा पॉपुलर स्कैम, ये वो भी काफी पॉपुलर स्कैम है, वो स्कैम है जॉब स्कैम। जॉब स्कैम क्या होता है, आप अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे होंगे आपको अलग अलग मैसेजेस दिखेंगे कि वी आर लुकिंग फॉर 5 guys 9-to-5 shift या इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट, या हम $200 सैलरी दे रहे हैं, हम $300 सैलरी दे रहे हैं, हमको सैटरडे संडे के लिए लोग चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। इतना अच्छा सैलरी दिखा कि वो लोग फेसबुक ग्रुप्स पे, या आपको फेसबुक आजकल तो चैट्स भी होते हैं,
डिस्कशन, उस पर आपको मैसेज करेंगे, आपको चैट्स में दिखाएंगे कि हमको ये चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, वैसे लोग चाहिए करके, और आपसे सारी डिटेल्स, और जैसे ही आप उन्हें मैसेजेस करेंगे वो आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे डिटेल्स में मैसेज कर देंगे कि हमें इस प्रोफाइल के लिए चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है डेटा एंट्री वाला, और एक है ट्रैवल असिस्टेंट की, आपको सिर्फ इस पर रिव्यू करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ऐसे करके आपसे लेंगे, आपसे अपनी डिटेल्स भरने को कहेंगे, एक फॉर्म भरने को कहेंगे रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम किसी को जल्दी शेयर नहीं कर सकते, वो सारी डिटेल्स भरने को कहेंगे, इंक्लूडिंग आपका सिन का नंबर, आपका बैंक की डिटेल्स, बोलेंगे कि आपको पे करने के लिए हमको आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह सब चाहिए। तो वो सब जब आप भर दोगे तो उसके बाद यू आर ट्रैप्ड, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कैसे निकालते हैं, या वो डिटेल्स वो किसी को सेल करते हैं जो कि ये सीन वाले स्कैम में ये यूज़ कर सकते हैं, यू नेवर नो, ऐसा ऐसा सब होता है। और कभी कभी ये लोग रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज ये सब भी मांगते हैं, जो कि टोटल स्कैम है, इसमें फंसना नहीं। एक थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि किसी को भी जिसको जॉब देनी है वो किसी को ग्रुप्स में चेज क्यों करेगा। सो कोई भी एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे चेज करने नहीं जाते हैं, हर एक एम्प्लॉयर्स के पास बहुत सारे रिज्यूमेस होते हैं, जो हम जैसे लोग जो नए आए होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग वहाँ जाके ड्रॉप करके आते हैं, तो उनके पास एम्प्लॉयज़ की कमी कभी भी नहीं होती है, और मोस्टली यहाँ पे जो जॉब्स वगैरह है रेफरेंसेस से ज़्यादा चलता है, अगर आप किसी को जानते हो और वो रेफर करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे चलती है, अनटिल एंड अनलेस जैसे कोई बड़ी कंपनीज लाइक अमेज़ॉन है या वॉलमार्ट है, तो वो सब में अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग प्रेफर करते हैं कि रेफरेंसेस के थ्रू ज़्यादा जाते हैं। एनीवे ये तो हो गई सारी ये वाली बातें, अभी हम करते हैं एक नया स्कैम डिस्कस। यहाँ पे ये स्कैम्स भी चलते हैं कि कुछ लोग आपको जॉब पे रख लेंगे, उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो चीज़ भी हमारी कोमल के साथ हो रखी है, हम उससे ये चीज़ बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था पीटरबोरो में। यू रेडी कोमल? बड़ा फनी सा इंसिडेंट था, बताइए कोमल, तो कौन सी जगह थी वो? पीटरबोरो में एक्चुअली जॉब बहुत ही कम है, तो मैं रेज्यूमे लेके जाती थी सब रेस्टोरेंट्स में और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के, कहीं जॉब मिल जाए। तो वैसे ही एक मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट मिली थी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर ले एक बार। तो मैं जैसे ही अंदर गई वैसे ही मैंने अपना रेज्यूमे हैंड ओवर किया, और वो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे समझाया कि हम सिन पे तो नहीं देंगे फर्स्ट, आपको सिन मतलब होता है कि सोशल इंश्योरेंस नंबर, लीगली जॉब। या सो वो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले आपको $8 ही देंगे हम कैश, और उसमें भी आपका पे तब बढ़ेगा जब आप अच्छा काम करोगे, इनिशियली आपको ट्रेनिंग ही करना पड़ेगा। और मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि जॉब मेरे पास नहीं थी, मुझे जरूरी थी, तो मैंने ट्राई किया वहाँ कैश पे रेडी हो गया जॉब पे लेके, मैं कैश में रेडी हो गई और फिर मैंने काम किया। तो मुझे थोड़ा लगा कि ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मुझसे नई नई रेस्टोरेंट खोली थी तो मुझसे सब काम करवा लिया था, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ टेबल्स, क्लीनिंग ऑफ वॉशरूम, सर्विंग, और जैसे कि नई नई रेस्टोरेंट खुली थी तो पुराने जितने भी बड़े बड़े यूटेंसिल्स थे वहाँ पे डिश वॉशर उन्होंने रखा नहीं था, तो वो सब साफ करवाना, वो सब, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये सब तो स्कैम ही हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो मुझे लग रहा है पहले 15 दिन उनका प्लानिंग होगा कि आपसे सारा ये सब काम करवा ले, फिर कह दें कि अभी आप हम आपको नहीं रख सकते और फिर आप जाओ, राइट? ये आपको फ्री में करने को बोला था 15 दिन में। अब बर्तन धोने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है भाई? तो फिर उसके नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ गई ही नहीं। आपने उसी दिन क्विट कर दिया? या चलो अच्छा। ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है क्या, आपके किसी फ्रेंड्स के साथ? नहीं। आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे भी हुआ था ना, दूसरी जगह पे जहाँ आप गए थे वहाँ पे भी आपको यही बोला था कि ट्रेनिंग करना पड़ेगा? यहाँ पे भी रेस्टोरेंट में मेरे को ऐसा ही बोला था कि आपको 15 दिन ट्रेनिंग होगी और पैसे नहीं देंगे, तो रेस्टोरेंट में वही सब काम था, क्लीनिंग का, सर्विंग का, वॉशरूम क्लीन करने का, और वो सब वहाँ पे मुझे पता नहीं था, पर वहाँ पे वो जो पहले एक लड़की काम कर रही थी उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ सब ये सब करवाएंगे फ्री में। ओके, तो यहाँ पे जो भी इंडियन ऑफ ट्रेनिंग, जो भी इंडियन बच्चे या जो भी इंडियन श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान कहीं से भी आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर कोई आपको ये बोलता है कि फ्री में आपको ट्रेनिंग करनी है,
तो ये बहुत ही, और रेस्टोरेंट में ये नहीं होता है, दे हैव टू पे यू फ्रॉम द मोमेंट व्हेन यू एंटर फॉर द जॉब, इधर वो ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप फ्री में किसी के लिए कुछ भी जॉब करो, तो ये मत करना अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी वॉलेंटियरिंग की काम हो, जैसे कि वो वॉलेंटियरिंग रिलेटेड टू मेडिकल हो, असिस्टेंट हो, जिसमें आपको खुद लगे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बर्तन धोने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्लीनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो हमारे पास ब्रिज है, उन्हें भी इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके जो अंकल है वो खुद एक पिज़्ज़ा स्टोर ऑन करते हैं, और उन्होंने कैसे ट्रेनिंग दी थी वो ये बताएगा। उन्होंने मुझे पहले, जब मैं कनाडा में एंटर हुआ, तो सबसे पहले मैं उनके घर ही गया था, तो उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा हट, उनके पिज़्ज़ा हट में ट्रेनिंग दी। फिर वो ट्रेनिंग के उन्होंने मुझे पे भी किए थे। किस टाइप की ट्रेनिंग थी पिज़्ज़ा के लिए? पिज़्ज़ा के लिए सिर्फ कुछ नहीं थी, बर्तन धोना तो वो तो नॉर्मली होता है सारा, पिज़्ज़ा डो मेकिंग वगैरह। सिर्फ वही ट्रेनिंग है कि पिज़्ज़ा का डो कैसे बनता है और कैसे सब कुछ स्प्रेड करते हैं, बस दैट्स इट। और तो कुछ, और पिज्जा का नाम का सारा लगा होता है, और कस्टमर को कैसे ट्रीट करना बस है वगैरह, राइट? उसमें कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है और कैसे आपको सारी चीजें बनानी है, दैट्स इट। और किसी चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं। तो ये जो स्कैम्स है, ये जॉब मिलने वाले जो स्कैम्स थे वो थे। उसके बाद मैं आपको एक और स्कैम बताती हूँ। जब आपकी जॉब लग गई, आपको घर मिल गया, आप यहाँ पे सेटल हो गए, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप घर में चीज़ें इकट्ठा करना शुरू करें, जैसे कि घर में आप बेड लेंगे या टीवी लेंगे या सोफा लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे। तो उसके रिलेटेड जो स्कैम्स हैं मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो ये वाला जो स्कैम मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ये स्कैम मेरे साथ खुद पर्सनली हो रखा है। उसमें ये था कि मैं कुछ टीवी वगैरह देख रही थी जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आने वाले थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई टीवी मार्केट प्लेस पर ढूंढ लूँ। अब मैंने वो टीवी ढूंढने की कोशिश की और मुझे टीवी मिल गई, बहुत अच्छी, लाइक 70 इंच सैमसंग, एकदम लेटेस्ट वाली टीवी, जो कि नई $2,000 की थी मार्केट में, मतलब कॉस्को वॉलमार्ट वगैरह जगह पे, और मुझे वो टीवी मिल रही थी सिर्फ $300 की। तो मैं एकदम देख के क्रेजी हो गई कि वाओ, लाइक मुझे ये टीवी चाहिए। मैंने उसको रिप्लाई किया कि भाई ये टीवी कैसी है, क्या है, उसका मॉडल वगैरह भेजो। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इतने सस्ते में क्यों दे रही है। फिर उसने मुझे बोला कि वो इसलिए सस्ती दे रही है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इससे बड़ी टीवी आ चुकी है और वो इससे गेट रेड, मतलब इससे निकलना चाह रही है, टीवी उसके घर में जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे एड्रेस मांगा और सब कुछ कंफर्मेशन दिया मैंने कि हाँ मैं आके ले जाऊंगी। उसके बाद शी सेड कि अगर आपको फाइनल करना है तो यू हैव टू गिव मी सम ऑफ द मनी फॉर द डिपॉजिट कि मैं आपके नाम पर टीवी कर दूँ। और उसने मुझे अमाउंट पहले बोला $50 आपको पे करना पड़ेगा। मैंने उसको कहा $50 तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है आपका टीवी चल रहा है नहीं चल रहा है क्या है। तो शी सेड कि वो मुझे पैसे वापस दे देगी अगर मुझे टीवी नहीं पसंद आया। मैंने कहा ठीक है फिर भी, लेकिन मैं $50 के लिए तो नहीं ही मानी। मैंने कहा $20 का रिस्क ले सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है $20। मैंने उसने मुझे एक ईमेल दिया, मैंने यहाँ पे ईमेल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैंने उसको $20 दे दिए। उसके बाद उसने मुझे, मैंने, मेरी अकाउंट में दिख रहा है कि उसको पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। मैंने उस बंदी को स्क्रीनशॉट भेजा कि पैसे हो गए, एंड शी इज़ लाइक कि मुझे नहीं दिख रहे मेरे अकाउंट में, और $20 भेजो, शायद और $30 भेजो, शायद $50 के बाद ही मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तब मुझे शक हुआ क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप एक भी डॉलर किसी को भेजते हो तो वो दिखता है। उसने मुझे ये कहा और फिर मुझे लगा कि नो दिस इज स्कैम, यू नो व्हाट, आई वांट माय मनी बैक, आप मुझे $20 वापस दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपका टीवी, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो एडवर्टाइजमेंट भी हटा दी और सब कुछ, जैसे कि मुझे थोड़ा सा डाउट था लेकिन मैं $20 का रिस्क ले सकती थी क्योंकि टीवी काफ़ी अच्छी लग रही थी एडवर्टाइजमेंट, जो कि स्कैम था, मैं उसमें फंस गई और ये मेरे साथ हो रखा है। तो मैंने आपको ये सब बताने के लिए सोचा कि मैं आपको मेरा इंसिडेंट ही बताऊं। और एक और स्कैम यहाँ पे जो होता है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक और स्कैम यहाँ पे जो होता है, जो कि होता है कार्स का, ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हो चुका है, लेकिन ये स्कैम नहीं था। इसमें ये था कि जब आप घर वर बसा लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि आप कार ले लें, जो कि कार मैंने आपको दिखाई थी मेरे पहले वाले वीडियो में, वो कार मैंने ली थी, काफ़ी सस्ती मुझे कार मिली थी, कार काफ़ी अच्छी भी थी, ऐसी बात नहीं है कि वो बुरी थी बिल्कुल, पर वो कार एक महीने अच्छी चली और उसके बाद उसमें कुछ ट्रांसमिशन इश्यूज़ थे, जो कि इंजन के रिलेटेड इश्यूज़ थे, जो कि सही नहीं थे, और अगर मैं उसको ठीक करवाती तो वो कार जो थी
उसके चार्जेस जो मुझे आते वो करीबन 3-4 हज़ार डॉलर आते, जितने की तो कार भी नहीं थी। तो वो एक मेरे साथ चीज़ हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब अगर आप, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप कार लेते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि मैंने जो गलती की वो आप लोगों से ना हो। लेकिन आप कार कभी भी यहाँ पे लेंगे तो शॉर्ट एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप पूरा मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवा कर ही कार लीजिए। 150-200 डॉलर का खर्चा होगा अगर आप फाइनल करते हैं नज़दीकी कैनेडियन टायर या किसी भी अच्छे मैकेनिक के पास जाके उसका इंजन चेक करवा के फिर ही आप लीजिए। अगर आप नए हैं तो आपके लिए एक एक सिंगल डॉलर भी काफ़ी मैटर करता है, और मेरे लिए भी ये हुआ था। फॉर्चुनेटली मेरी कार का जो इशू था वो शॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन आप लोग इससे बिल्कुल ख्याल रखना आपकी चीज़ों का। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ब्रिज और कोमल का जो इंस्टा आईडी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी दोनों जन का, और मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे ऑलरेडी है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी कनाडा आ रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, पीस आउट।